हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स किचन। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप पहले की तरह सब बढ़िया से होंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही काम की वीडियो है। तो सबसे पहला टिप है हमारे कि जो शॉल होते हैं, जो हमारे बेकार शॉल पड़े रहते हैं, किसी यूज़ में नहीं आते हैं, तो उनका हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो शॉल को हमें खोल लेना है और फिर इसको हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और तो इस तरीके से हमने इसे खोल लिया है। तो फ्रेंड्स, फोल्ड करने के बाद और फोल्ड करेंगे और फिर पतला सा बना करके इसे इस तरीके से लपेटते जाएंगे। और इस तरह से हमें इसे गोल गोल बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मार्केट से ख़रीद कर लानी पड़ती हैं और ये हम फ्री में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत काम आती हैं। तो आप इसे इस तरह से शॉल से बना सकते हैं। तो अब जो दूसरा शॉल है तो उसका भी हम कुछ यूज़ करके दिखाते हैं आपको। तो इसके भी हम सबसे पहले खोल लेते हैं और फिर इसको फोल्ड कर लेते हैं। और फोल्ड के बाद भी हम इसे दोबारा मोड़ लेते हैं और इस तरीके से इसे गोल गोल बना करके, तो आप इसे भी बहुत यूज़फुल बना सकते हैं और ये शॉल भी आपका बहुत काम आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसे अपने सिर के नीचे भी लगा सकते हैं, जब आप सोएं तो ये तकिए का काम भी कर सकता है। ये बहुत अच्छा तकिया भी साबित हो सकता है। तो आप इस तरीके से अपने शॉल का यूज़ करें, उन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। और अब हम तीसरे शॉल का भी एक टूल्स बनाकर दिखाते हैं, तो वो भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप शॉल के अच्छे से तय बनाएँ और इस तरीके से तय बना करके आपके यहाँ कोई अगर छोटा बच्चा है तो उसके नीचे इस तरह से लगा सकते हैं, तो वो छोटे तकिए का काम करेगा। अब दूसरी ट्रिक आती है, ये जो जैकेट होती हैं ये बहुत फूली फूली होती हैं और ये सेफ में बहुत स्पेस घेरती हैं। तो हमें क्या करना है जो हमारी सेफ में स्पेस कम से कम घिरे? तो हम इसकी ऐसी तह बनाएंगे कि ये बहुत ही कम जगह में आ जाएगी और हमें सेफ में कपड़े रखने में दिक्कत भी नहीं होगी। क्या होता है कि सभी की मोटी मोटी जैकेट होती हैं और सेफ में जगह नहीं होती है, वो नीचे गिर जाती हैं, तो इसलिए हमें छोटी तह बनानी है। इसी तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से हमें जैकेट को अंदर करके बहुत छोटी सी तह बन जाएगी और हमारे सेफ में बहुत ही कम स्पेस में काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से तह बना सकते हैं और आपकी सेफ में बहुत सारी जैकेट्स इस तरह से रखी जा सकती हैं और आपके कपड़े नीचे भी नहीं गिरेंगे। तो आप इस तरह से अपनी जैकेट को रखें। तो अब ये जो जर्सियाँ होती हैं ये भी काफ़ी जगह गिर जाती है इनसे भी, तो आप इनको भी इसी तरीके से तय बना के रख सकती हैं। तो सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि इस तरीके से आप अपनी जर्सी की तय बनाएं, तो ये भी बहुत छोटी सी तय बन जाएगी, तो इससे भी आपको सेफ में रखने में आसानी होगी। तो इस तरीके से बनाएं। और इसकी जो दूसरी तरीका है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसका तय बनाने का दूसरा तरीका भी बहुत ही अच्छा है। तो आप सबसे पहले तो इसको इस तरह से फोल्ड कीजिएगा थोड़ा सा और फिर इसको सीधा फैला करके और फिर इसकी तह बनाइएगा। तो इस तरीके से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब बस इस तरीके से बाजू हमें मोड़ लेनी है। तो अब बस इसी तरीके से इसको तह बना करके इसके अंदर हमें फोल्ड कर देना है, ठीक जैसे जैकेट को किया था उसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से भी आपकी जो सेफ में स्पेस है उसमें कम में ही काम चल जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी यूज़फुल ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है ताले को लेकर। ये जो हमारे पुराने ताले होते हैं जंग लगे हुए, तो इनको हमें कैसे साफ़ करना है तो ये हम आज आपको वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले लेना है हमें थोड़ी चाय की पत्ती, क्योंकि चाय की पत्ती की जो क्लीन करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये गर्म होती है। तो चाय की पत्ती को हम केवल चाय बनाने में ही यूज़ नहीं करते, हम इसको और भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने कोलगेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोलगेट जो होती है वो हाई पावर क्लीन करती है, ये बहुत ही अच्छा होता है और इसके अंदर गंदगी को काट देने की शक्ति होती है। तो इसमें हमने थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करना है, क्योंकि विनेगर भी एक एसिड होता है और ये भी गंदगी को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो जंग होता है उसे हटाने में ही सहायक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम ताले पर लगाकर इनको साफ़ करेंगे। तो अब इस पर हम सबसे पहले जो ये की का जो इसमें होल बना हुआ है इस पर एक हम टेप लगा देते हैं। और इस तरीके से हमने इस पर टेप को लगा दिया है। अब इसके अंदर कोलगेट बिल्कुल नहीं जाएगा और इस तरीके से हम आसानी से साफ़ सुथरा कर सकते हैं।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स मल मल के इसको हम साफ़ कर लेते हैं, तो इससे हमारा ताला जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ये शाइन करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना साफ हो गया है। बस इसी तरीके से रगड़ते जाइएगा और ये घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और ज़रा सी देर में हमारे ताले साफ़ हो जाएंगे और हमें किसी के पास ठीक कराने के लिए ले जाना भी नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और पुराने तालों को यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये ताला हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं और इसी तरीके से हमने दूसरा ताला भी साफ़ कर लिया है। तो बस अब हम इसको साफ़ करके पूछ लेते हैं कपड़े से और जो इस पर टेप लगा हुआ है उसे भी हम हटा देते हैं। और ये टेप हमने हटा दिया है। तो देखिए कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे ताले कितने शाइन करने लगे हैं और नए जैसे हो गए हैं। अब हमने इसका टेप हटा दिया है। तो बस अब जो इसके अंदर जो चाबी हमें लगानी है उसका भी हम देख लेते हैं। तो जब हमारी चाबी इसके अंदर जाकर घूमती नहीं है या जाती नहीं है क्योंकि इसके अंदर जंग लगा हुआ है, तो इसके लिए भी हम वैसलीन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वैसलीन में चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी जो चाबी होती है उसके ऊपर हम वैसलीन का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हम ताले में इसको घुमाएंगे तो ये चिकनाई की वजह से ताला घूम करके ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो चाबी इसके अंदर जा नहीं रही थी वो आसानी से चली जाती है और देखो ताले को भी आसानी से बंद कर देती है। तो ये ताला हमारा कितना सही हो गया है। तो आप भी अपने तालों को इसी तरह से यूज़फुल बनाएं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स अब अगली ट्रिक आती है हमारी बिक्स को लेकर। ये जो बिक्स होती है, आजकल सर्दी का मौसम है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नमोनिया हो जाता है या सर्दी खांसी हो जाती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, रात को सोते समय बच्चों की पसलियों पर हमें बिक्स को मल देना है और पीठ के पीछे भी मलना है और नाक के आसपास भी मल देना है। और इसी तरीके से आप बिक्स का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आजकल बच्चों को नमोनिया हो जाता है और उससे उनकी जान तक जा सकती है। तो सोते समय बिक्स लगाएं और बिक्स लगाने के बाद यदि आपके पास कोई बलियान वगैरह हो तो उसकी तह बना करके भी आप उनके बच्चे के सीने और पसलियों पर लगाकर सुलाएं जिससे उन्हें गर्माई मिलती रहे, या फिर कोई उनका पतला सा कपड़ा ले लें और उसकी तह बना करके उसके अंदर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि चैन वैन के कपड़े चुभने न पाए, कुछ इस तरीके से हमें रखना है और बच्चों को गर्माई मिलेगी और उन्हें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही उन्हें नमोनिया होगा। तो आप बिक्स की ये ट्रिक ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बच्चे कहना तो जानते नहीं हैं, आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस तरीके से कपड़ा ज़रूर से लगाएं, तभी उन्हें गर्माई मिलेगी। तो फ्रेंड्स बिक्स का इस्तेमाल बड़े लोग भी कर सकते हैं, आप भी अपने सीने पर लगा कर सोएं। और यदि आपको नज़ला जुखाम है तो आप बिक्स को पानी में डाल करके इसे भाप भी लें, पानी गर्म होना चाहिए। और अगली ट्रिक है हमारी ये टोपी को लेकर। अक्सर क्या होता है जब हम टोपी पहनते हैं तो कभी कभी हमें पसीना भी आ जाता है ज़्यादा गर्माई हो जाने की वजह से। तो हम क्या करना है, हमें जो कॉटन का रुमाल होता है वो टोपी के अंदर हमें लगा लेना है और उसके बाद ही हमें टोपी को पहनना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमें आराम मिलेगा और जो पसीना होगा उसमें भी थोड़ी ठंडक मिलेगी क्योंकि कॉटन ठंडा होता है। तो इस तरह भी आप टोपी का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये समस्या बच्चों के साथ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चे कहना नहीं जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर एक रुमाल लगाएं और फिर पहना दें। और जब हम बाज़ार से ग्रोसरी लेकर आते हैं तो उसमें हम चाय पत्ती भी लाते हैं, तो चाय की पत्ती को आप डब्बे में निकाल कर रखें। क्या होता है कभी कभी हम थोड़ी पत्ती निकाल लेते हैं और थोड़ी उठा कर रख देते हैं तो वो बिखर जाती है। तो इस तरीके से आप चाय की पत्ती को निकाल कर रखें। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और रोज़ की तरह एक लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स यदि आपको कोई कुछ ऐसी टिप मिल जाए जो आपके काम को आसान करें तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें बहुत काम आती हैं। तो फ्रेंड इनसे हमारा काम तो आसान होता ही है और इनसे हमारी लाइफ भी आसान हो जाती है। तो मिलते हैं कुछ टिप्स के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।